हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के लास्ट डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 31/7/2023 के दिन आप सभी का पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप का लास्ट डेट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना फाइनल सबमिट नहीं किया, और वो सभी छात्र परेशान है कि उनका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, उनका लास्ट डेट खत्म होने के बाद से फाइनलाइज होगा या नहीं होगा, या फिर आपका जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी जानकारी आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिलहाल हम चली वीडियो में आगे बढ़ते और आप सभी को बता दें कि अगर आपको फाइनल सबमिट नहीं हुआ या फिर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपके लिए लास्ट डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर लास्ट डेट के बाद से आपका फाइनल सबमिट होगा या नहीं होगा। तो जहां तक बात है कि आपको फाइनल सबमिट होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए जब आप यहाँ PMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, जो कि आपका पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप का पोर्टल है, यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी स्कॉलरशिप पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप की तरफ से दिए जाते हैं उन सभी का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहीं पे आप देखेंगे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC EBC पर स्कोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के लिए आवेदन करें। यहाँ पे आपका पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप BC और EBC का लिंक दिया गया है, और ठीक इसके नीचे ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। यहाँ पे बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदन कम्प्लीट करने की सुविधा अंतिम तिथि के बाद भी दी जाएगी, यानी कि अगर आपका लास्ट डेट खत्म हो जाता है तब भी आपको फाइनल सबमिट करने का मौका दिया जाता है। अतः कृपया यूजर आईडी पासवर्ड के लिए इंतजार करें तथा फिर पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। यानी कि अभी आपको अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला होगा तो आप इंतजार करिए, लास्ट डेट का आपको चिंता नहीं, क्योंकि लास्ट डेट के बाद भी आप सभी यहाँ पे अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी छात्र ये सोच रहे थे कि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया, या फिर जिनका आ गया है और फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपका OTP का समस्या चल रहा है, OTP आपका आ जा रहा है लेकिन फिल करने का बॉक्स नहीं आ रहा, तो उसे लेके जो भी छात्र परेशान थे उन सभी को घबराना ही नहीं, उन सभी को लास्ट डेट के बाद भी अंतिम रूप से सबमिट करने का यानी कि फाइनल सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। अब हम बता दें कि जो छात्र ये सोच रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमारे लिए डेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, तो दोस्त हम आप सभी को बता दें कि इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है, और हमें जहां तक लग रहा है कि अभी 2-3 दिन तक जारी भी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि पिछली बार आपका SC ST के लिए 3 बार डेट को बढ़ाया गया था, तो हमें जहां तक लग रहा है कि आपका एक चांस तो और मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी का भी लास्ट डेट एक बार बढ़ाया जा चुका है जो कि आपका 15/7 का था, उसे बढ़ा के 31/7 किया गया था, और हमें लग रहा है कि फिर से आप सभी को भी 15-20 दिन का समय दिया जाएगा। इसका हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन हमें 70-80% चांस है कि आपका लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा। जो भी छात्र छूटे हुए होंगे उन सभी को एक बार अंतिम मौका दिया जाएगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ले। हालांकि इसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आता है, कोई भी नोटिस आता है, सबसे पहले हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के बता देंगे कि आपके लिए लास्ट डेट बढ़ाया गया और उसका जो नया लास्ट डेट रखा गया वो क्या है। फिलहाल आप सभी के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ वो अभी इंतजार करें। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, यूजर आईडी मिल गया, फाइनल सबमिट वो कर सकते हैं। जिनका यूजर आईडी नहीं मिला वो अभी इंतजार करें, यूजर आईडी मिलने के बाद से फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो जो भी छात्र लास्ट डेट को लेकर परेशान थे उन सभी को हमने सारी जानकारी समझा दी। आशा करता हूँ कि सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता है आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।